तो चलिए बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्या कहता है। अगर हम बैड को 7 लिखते हैं और सैप को 9 लिखते हैं तो बैन का क्या कोड होगा या बैन को क्या लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसमें सब लेटर की वैल्यू लिखते हैं। B की वैल्यू 2 होती है, A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 4। तो इन सब का एडिशन करें तो आएगा 7। ऐसे ही SAP में देखते हैं, जिसमें S की वैल्यू होती है 19, A की वैल्यू 1 और P की वैल्यू 16, जिनको ऐड करने के बाद आता है 36। पर यहाँ तो 9 दे रखा है इसलिए, और ये डबल डिजिट है तो हम इसको दोबारा से ऐड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 9। ऐसे ही अब बैंक को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेटर्स की वैल्यू लिखेंगे, इसमें बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 14। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 17। और क्योंकि ये डबल डिजिट है इसलिए फिर से इसको ऐड करेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर जो कि है 8। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीन पे पॉज करके 14 क्वेश्चन देख सकते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इक्वेशन दी हुई है 9 × 3 + 8 / 4 - 7 = 28। अब ज़रूरी नहीं है सही हो, इसमें दे रखा है कि किन दो साइन को चेंज करेंगे तो हमारा ये आंसर सही आएगा। आइए ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का, देखते हैं इनकी प्लेस चेंज करके क्या आंसर आता है। तो प्लेस चेंज करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेगी, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 20, जो कि RHS से मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन 1 गलत है। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है एडिशन यानी कि प्लस साइन और सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस साइन, देखते हैं इसमें चेंज करके क्या आंसर आता है, क्या वैल्यू आती है। तो इस तरह की हमारी इक्वेशन हो जाएगी, तो ये आ गया 34। ये भी हमारे RHS के बराबर नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, जिसमें दे रखा है डिवाइड एंड एडिशन। अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, माफ करिएगा, जैसा 9 × 3 / 8 + 4 - 7। देख सकते हैं 3 / 8 × 9, तो ये भी हमें 28 के बराबर तो नहीं आएगी। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की ओर। फोर्थ में दे रखा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब हमारी इक्वेशन कुछ हो जाएगी 9 / 3 + 8 × 4 - 7, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ट्राई क्या करिए, पहला ऑप्शन और फिर सबसे आखिरी वाला ऑप्शन, इसमें ज़्यादातर पहले के 3 ऑप्शन गलत होते हैं आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए। पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे 15th क्वेश्चन आ रहा होगा, आप पॉज करके देख सकते हैं। देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन है 4 *
5% 3 equals to 8000, 2 star 3% 2 is equal to 36, so 4 star 3% 3 की क्या वैल्यू है? अब हमें रिलेशन निकालना होगा इसका और इसका, कि ये साइन और ये परसेंट क्या सिग्निफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहली क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम स्टार को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर रहे हैं और परसेंट को पावर से, तो हमें ये क्वेश्चन सही हो जाती है। ऐसी दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2 इंटू 3 की पावर 2, 36 की पावर 2 और 36, यानी कि इसमें स्टार मल्टीप्लिकेशन को सिग्निफाई कर रहा है और परसेंट पावर को। तो जो हमें फाइंड करना है, 4 इंटू 3 पावर 3 यानी कि 12 की पावर 3, मतलब कि 1728, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऐसे सवाल काफ़ी आने लगे हैं अब और इम्पोर्टेंट भी है, आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। चलिए 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप पॉज करके देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन में कुछ फिगर दे रखी हैं, अब हमें इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। आइए देखते हैं क्या रिलेशन है। अगर हम इस फिगर को लें तो आउटर साइड के ब्लॉक्स में जो भी नंबर लिखे हैं इनको मल्टीप्लाई करें और इसमें 1 ऐड करें, तो हमारा आंसर 31 आएगा, जो कि सही है। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें भी हम आउटर ब्लॉक्स में जो नंबर लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करेंगे, तो 145, ये भी सही है, इसका मतलब ऐसे ही होगा। तो इस वाले केस में भी हम आउटर ब्लॉक्स में जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें 1 ऐड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 71, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की, आप पॉज करके देख सकते हैं। आइए 17 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक फिगर दी है जिसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, और फिगर कुछ ऐसी है। नेमिंग कर देते हैं, मैं जल्दी से इनके नाम लिख देता हूँ जो जो ट्रायंगल्स बनेंगे, और फिर आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये हैं इन ट्रायंगल के नाम, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट करिएगा। तो टोटल 22 ट्रायंगल्स हैं इस फिगर में, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए 18th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, आप पॉज करके देख सकते हैं। 18th क्वेश्चन हमारे सिलोगिज्म से है, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहते हैं। पहला स्टेटमेंट है, सम पेंस आर पेंसिल, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, अब इसके अलावा कोई डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो आइए कंक्लूजन पे चलते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है,
सम पेंस आर इरेजर्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, नो पेंस आर इरेजर्स, ये कंक्लूजन गलत है क्योंकि पेंस कुछ इरेजर्स हैं। और तीसरा कंक्लूजन क्या है, सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड फॉलो करते हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोस। चलिए 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है, आप पॉज करके देख सकते हैं। 19 क्वेश्चन में 3 क्यूब दिए हुए हैं जिनके फेसेस पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो हमको फेस नंबर 1 के ऑपोजिट वाला फेस बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें फिगर 1 और फिगर 2 को, तो फिगर नंबर 1 को देखें तो सेकंड फोर्थ फिगर नंबर 1 से और थर्ड एंड फिफ्थ फिगर नंबर 2 से, ये सब के सब फेस नंबर 1 के एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट वाले फेस पे हैं, तो ये तो कोई ऑपोजिट हो नहीं सकते। तो बचा सिर्फ एक, वो है फेस नंबर 6, तो यही फेस नंबर 1 के ऑपोजिट होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 20th क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पॉज करके देख सकते हैं। अब 20th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी पेंस आर ब्लू। तो ऐसे तो हमें देखें तो पेंस और ब्लू 19 लग रहे हैं क्योंकि 4 नंबर तो ब्लैक भी हो जा रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उसमें पूछा गया है हाउ मेनी पेंस आर ब्लू, ना कि हाउ मेनी पेंस आर ब्लू ओनली। तो 19 के साथ हम उन 4 को भी जोड़ेंगे जो ब्लैक भी हैं, तो टोटल हो जाएंगे 23। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बचते हैं ऑप्शन नंबर 21 to 25, ये सब फिगर से रिलेटेड हैं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत आराम से देख के हो सकते हैं। 21st का ऑप्शन है 1, 22nd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 22nd का ऑप्शन भी है 1, 23rd क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे होगा, आप पॉज करके देख सकते हैं। 23rd का आंसर होगा 2nd, 24th देखिए स्क्रीन पे, 24th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, और 25 क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है 23, 32, 24, 55 and 66। अगर किसी को इन ऐसे क्वेश्चन में, इन पांचों क्वेश्चन के किसी भी टाइप में दिक्कत है तो कमेंट करिए, मैं उसको और समझाने की कोशिश करूँगा। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में खास तौर से ज़्यादातर ऊपर के 3 ऑप्शन टाइम वेस्ट के लिए दिए होते हैं और लगभग 80% ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होता है, तो आप चाहें तो ऑप्शन नंबर 4 पहले चेक कर सकते हैं, 80% केस में आपको आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही मिलेगा। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी आप मेरी वीडियो देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, हो सकता हो मेरी वीडियो में कुछ गड़बड़ रहा हो या कुछ एडिटिंग हो, तो मैं इस वीडियो में तो एडिट करके उसको डाल नहीं सकता, तो जो भी दिक्कत या कुछ एडिटिंग या कोई मिस्टेक रही होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा या मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें उस गलती का सही सॉल्यूशन दिया होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अल्फ़ाबेट
के नंबर ज़रूर याद करिए, और कैसे याद करिए वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे इनको ऐसे याद करिए, तो ये सब इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट भी दे रखे हैं, जैसे एक ऑपोजिट जेड भी एक ऑपोजिट वाई, और इसमें अगर आप इनकी प्लेसेस को ऐड करेंगे तो इनका एडिशन 27 आएगा। तो आगे ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको इनके ऑपोजिट की भी ज़रूरत होगी, तो अगर हमको ऐसे याद रहेगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसको याद करने की कोशिश करिए जिससे हमको इनके ऑपोजिट्स भी याद हो जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।